जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा बोकारो के न्याय सदन में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिला और सत्र न्यायाधीश, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से किया। इस लोक अदालत में 1500 मामलों को चिन्हित कर इसके निष्पादन का काम किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निपटारा होने से कोर्ट में मामले की पेंडिंग कम होगी, लोगों का समय भी बचेगा और न्यायालय में काम भी सुचारू रूप से चलेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली, वन विभाग, बैंक, BSNL, निजी विवाद और आपराधिक विवाद जैसे मामलों का निपटारा किया जाता है, जिसमें कि रिकंसिलिएशन भी हुआ और आज भी होगा। अभी मैक्सिमम हम लोग की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तारण हो। इसमें एक साइज केस का है, फॉरेस्ट केस का है, इलेक्ट्रिसिटी का है और भी अन्य वेट्स एंड मेजर और अदर कंपोनेंट जो केसेस हैं हमारे क्रिमिनल केसेस, और इसके अलावा प्री लिटिगेशन मामले जो पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित रहते हैं, बैंक के मामले हैं, BSNL के हैं, तो ये सब सारे मामले भी यहाँ पर निष्पादित हो रहा है। लोगों के लिए एक दिन का इवेंट है, बट इसके पहले मुझे लगता है पूरी की जुडिशियरी पिछले कई दिनों से दिन रात एक करके मेहनत की है। वो एक दिन दिखता है लोगों को, बट इसके पीछे काफ़ी हार्डवर्क है पिछले कई दिनों का। तो जो भी कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं या ऐसे ऑफेंस हैं जो नेशनल लोक अदालत में निपटारा हो सकता है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।